दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा 2 महीना पहले 337 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई। यातायात डीएसपी के नेतृत्व में गठित सिविल टीम द्वारा लगातार दुर्ग भिलाई के ऐसे क्षेत्र जहां वाहन चालकों द्वारा नियम विरुद्ध वाहन चलाते जायज पाने पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर गत 2 माह में 337 वाहन चालकों के लाइसेंस के निलंबन हेतु परिवहन विभाग को भेजा गया है। इसके अलावा जिन वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा पाया गया उन वाहनों को यातायात मुख्यालय लाकर ऐसे साइलेंसर को निकालकर सही मानक का साइलेंसर लगाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी यातायात डीएसपी गुरजीत सिंह ने इस प्रकार से दी है। हमें लगातार शिकायत मिल रही थी कि लड़के मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर और हाई स्पीड बाइकिंग कर रहे हैं, जिसपे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सिविल टीम गठित की गई और इस टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 महीने में हम तकरीबन 377 ऐसे मोटरसाइकिल जो मॉडिफाइड साइलेंसर या फिर हाई स्पीडिंग कर रहे थे या ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, ऐसे गाड़ियों को जब्त किए हैं। साथ ही इनके साइलेंसर को उतरवाकर इसमें नॉर्मल साइलेंसर फिट कराए हैं। इनमें अभी तक के हम ऐसे वाहनों का हम साइलेंसर जब्त करने के साथ साथ उनके लाइसेंस भी निलंबित करा रहे हैं। अब आगे और सख्ती करते हुए इनके मामले हम कोर्ट में भेजेंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश हैं और अपील है अभिभावकों से, पेरेंट्स से, कि वो कृपा कर अपने बच्चों के नियंत्रण रखें और उनको हाई स्पीड बाइकिंग ना करने दें। साथ ही साथ उनके अगर साइलेंसर मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा रहे हैं बच्चे, तो उनको इस काम के लिए रोकें। हाई स्पीड बाइकिंग से बच्चे न सिर्फ अपने जीवन को संकट में डालते हैं बल्कि दूसरों के लिए, लाइफ के लिए भी वो रिस्क पैदा करते हैं। तो अपील है कि अपने बच्चों को ऐसे करने से रोकें।